ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। वैकुंठ चतुर्दशी कथा, यह हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है भगवान विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य करवाते हैं, लेकिन वे चार महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इन चार महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। इन चार महीनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव इन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। उस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर शिव भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहां हजार कमल के फूलों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते हैं उनके सभी कमल फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आंख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, वो अर्पण करते हैं। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें नेत्र वापस देते हैं। साथ ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं। यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी कहलाता है। इस प्रकार हरि विष्णु हर शिव का मिलन होता है। इस संदर्भ में एक और कथा आती है। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके माथे पर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए है, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग नित्य दर्शन फेसबुक पेज से जुड़े रहे।